YouTube पे एक अच्छा क्लिक थ्रू रेट लाना यानी CTR बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे जैसे अगर आप भी YouTube पे अब काफी समय से हो तो ये CTR आपकी एक बहुत बड़ी समस्या का सलूशन देती है कि YouTube आखिर आपकी कौन सी वीडियो व्यूअर्स को रेकमेंड कर रहा है। CTR यानी आपके YouTube चैनल का क्लिक थ्रू रेट आपकी मदद करता है एक विनिंग YouTube स्ट्रेटजी बनाने में। जैसे किसी एक टाइप का थंबनेल यूज करके अगर आपका CTR बढ़ता है तो आप जान जाओगे कि हाँ मुझे अब ऐसे ही थंबनेल्स बनाना है। और अगर आपका CTR किसी नए टाइटल के स्टाइल के वजह से गिर रहा है तो इससे भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि यार ये तो गलती हो गई, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। CTR के बारे में कुछ भी जानने से पहले ये देखते हैं कि उसका पता कहाँ से लग सकता है हमें। Like always, पहले हमें YouTube Studio पे Channel Analytics पे जाएंगे और उसके बाद हम Reach टैब पे क्लिक करेंगे। Reach टैब पे आते ही आपको एक ग्राफ दिखेगा जिसमें Impressions, Click Through Rate, Views और Unique Viewers होंगे। इसमें से आपको बस Impressions Click Through Rate पे क्लिक करना है और फिर बस आराम से पीरियड को सिलेक्ट करना है, जैसे हफ्ते, महीने या साल, या पूरी चैनल की लाइफ टाइम का भी आप देख सकते हैं। रीच टैब पे ही अगर हम थोड़ा नीचे देखें तो राइट साइड में एक फनल टाइप का भी डायग्राम है। ये आपको आपके CTR के बारे में और डिटेल में बताता है। इसमें आपको इम्प्रेशंस देखने को मिलता है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ये वीडियो आखिर व्यूअर को होम पेज से रेकमेंड हुई है या वॉच पेज से, और उसी के नीचे आपको अपना CTR भी दिख जाएगा। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि CTR होता क्या है। YouTube के मुताबिक आपका CTR is how often viewers have watched, अरे रुको यार बहुत अंग्रेजी हो गई, थोड़ा सिंपल करके समझाऊं तो YouTube के मुताबिक आपका क्लिक थ्रू रेट बताता है कि व्यूअर्स ने आपके वीडियो की थंबनेल देखने के बाद कितनी बार वीडियोस क्लिक करके देखी है। और तो और इसका एक फॉर्मूला भी है, CTR is equal to आपके number of clicks divided by number of impressions, और फिर इस पूरे को हम 100 से multiply कर देते हैं। मतलब अगर 40 लोग आपके वीडियो पे क्लिक करते हैं पर 100 लोगों ने आपकी thumbnail देखी है तो आपका CTR होगा कुछ 40%। है ना एकदम सिंपल मैथ्स, आया समझ आपको? नहीं आया तो 40 और 100 को इस फॉर्मूला में डाल के देखें और आपको उसका सीधा आंसर मिल जाएगा। CTR तो पता चल गया, पर एक अच्छा CTR कैसे होता है? YouTube ने कभी बोला था कि एक अच्छा CTR वो होता है जो 2% और 10% की रेंज के बीच में हो। मतलब अगर आपका CTR इस रेंज के बीच में है तो आप प्लीज अपने लिए कुछ और अच्छी उम्मीद मत रखना इसे बढ़ाने की। जब आप इस रेंज में होते हो तो ये सही रहता है कि आप इस पे धीरे धीरे काम करते रहो। चलो हमने ये देख लिया कि एक अच्छा CTR क्या होता है। अब अच्छी चीजें तो हम सबको पाने का मन है, तो आओ अभी मैं आपको एक बताती हूँ कि एक अच्छा CTR कैसे पा सकते हैं। मेक श्योर करें कि आपके चैनल पे इतनी वीडियोस हो कि YouTube आपको एक रियलिस्टिक CTR दे पाए, क्योंकि अक्सर ये भी होता है कि लोगों के चैनल पे इतनी वीडियोस ही नहीं होती या फिर उनका जो CTR होता है वो बहुत हाई होता है या बहुत लो। तो 1 या 2 वीडियोस की CTR से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके वो चैनल के बारे में लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। YouTube ने तो दे दिया, पर अब आपको अपने लिए एक गोल CTR सेट करना पड़ेगा। तो अब CTR आप ओवरऑल चैनल को देखो या बेस्ट वीडियो को देखो या जिसमें CTR कम है उस वीडियो को देखो, इनको स्टडी करने के बाद हिसाब लगाओ कि हाँ ये मेरे लिए एक फिट CTR है। अब धीरे धीरे आप ऐसे ग्रो करो कि आपका ये CTR कांस्टेंट होना चाहिए। अब आप बैठोगे कि अपनी एक एक वीडियो को स्टडी करने और पता लगेगा कि आप किन वीडियोस पे CTR हाई है और किन वीडियोस का CTR लो है। जिसका हाई है उसकी थंबनेल और टाइटल को बाकियों से कंपेयर करके देखना कि आपने ज्यादा CTR वाले वीडियो में ऐसा क्या किया जो आपके कम वाली वीडियोस पे नहीं आया। एक बार इस सवाल का जवाब आ जाए तो बॉस चैनल तो आप बहुत तेजी से इम्प्रूव कर सकते हो। YouTube के मुताबिक impressions is equal to thumbnail views। जैसे मूवी के एक ट्रेलर से इंडिकेट होता है कि हमारी ऑडियंस डिसाइड करती है कि उन्हें वो मूवी देखनी है या नहीं, कुछ वैसे ही आपका थंबनेल आपकी वीडियो के ट्रेलर होता है। तो थंबनेल को सिंपली उस पर इंटरेस्टिंग बनाने से बहुत जरूरी हो जाता है कि आपकी ऑडियंस उसे चेक करके आएगी, इसलिए वो बहुत एक जरूरी फैक्टर।
मैटर है। इन फैक्ट इसके लिए मेरी एक वीडियो भी है, तो उसको जरूर जाके देखिएगा। थंबनेल के साथ ही नजर आ जाती है टाइटल पे, तो टाइटल को क्रिस्प और करारा बनाए जिसको पढ़ते ही व्यूअर के मुंह में स्वाद आ जाए। और बस टाइटल ही नहीं बल्कि डिस्क्रिप्शन को भी ऐसा बनाना चाहिए जिसमें भरपूर इन्फॉर्मेशन हो और चैनल से रिलेटेड हर चीज की एक लिंक जरूर हो। तो दोस्तों, CTR बेंचमार्क सेट करना आपके ऊपर है। जो सबसे ज्यादा CTR आपको दिख रहा हो या जो आपके लाइफ टाइम में हाईएस्ट हो उसको रख के आप पहले स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे ये तो कन्फर्म्ड है कि आप उतना तो रीच कर ही सकते हैं और उसके बाद का गेम आपके हाथों में है कि आप उतना हर वीडियो में कैसे ला सकते हैं। आज हमने इस वीडियो से ये जान लिया कि CTR क्या है, एक अच्छा CTR क्या है और आप इस अच्छे CTR को कैसे पा सकते हैं। इसके साथ हमने CTR को अपने चैनल पे भी ढूंढ के देख लिया है। तो अब किस चीज का इंतजार है बॉस, जल्दी से जाके अपना CTR चेक करो और एक कड़क स्ट्रेटजी बनाओ उसको बढ़ाने की। CTR से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स है उसको जरूर पूछना इन द कमेंट सेक्शन, और CTR से रिलेटेड आप किसी भी चीज पे वीडियो देखना चाहेंगे तो वो भी मुझे जरूर बताना। अभी के लिए चलते हैं हम, और आप लोग मेरे पीछे से ग्राइंड करते ही रहना। तब तक के लिए दिस इज कनिष्का ठाकुर साइनिंग ऑफ।